चुनाव लड़ा था तो देवलाल की वजह से वो मैंने उन्होंने कहा था कि मैं किसी बड़े आदमी को तो आबो रहने नहीं दूंगा, आप चुनाव लड़ो। तो उनकी मेहरबानी से चुनाव लड़के मैं जीत गया। उस वक्त अबोर के अंदर जनसंख्या जोर था, जनसंख्या उन्होंने टिकट मुझे बुला के टिकट दी और मैं जीत गया। तो उसके बाद 5 साल जीते, उसके बाद हरियाणा पंजाब अलग अलग हो गए। फिर यहाँ पर चुनाव लड़ने का ये चौधरी देवलाल का इलाका है ये, तो चौधरी देवलाल चुट्टा लेके मैं भी चुट्टा लेके उनके साथ संबंध थे, तो उनका ही उनको ही सपोर्ट दे रहे जो जिससे वो समाज में जिससे पॉलिटिक्स में वो इकट्ठे हुए, हमने उन्हीं को वोट दे दिया भाई। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। आज दिसड़कनामा.com की चुनाव यात्रा सिरसा लोकसभा क्षेत्र के हल्का डबाली में है और मैं इस समय मौजूद हूं डबाली हल्का के गांव सक्ताखेड़ा में, और मेरे साथ मौजूद हैं 98 वर्षीय सहीराम धारणिया। और इनका परिचय ये है कि ये जनसंघ के विधायक रहे हैं, और जब पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य संयुक्त पंजाब होता था उस टाइम ये 1957 से लेकर 1962 तक जनसंघ के विधायक रहे हैं। इन दिनों इनका शेड्यूल क्या है कि 98 वर्ष की उम्र के बाद भी आज भी ये खेती करते हैं, और आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि फूलों की खेती करीब 1.5 कनाल से अधिक का जो रकबा है उसमें ये फूलों की खेती करते हैं, और इन्होंने ये खेत में काम भी करते हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि चुनाव के दौरान, क्योंकि हमने आपको वादा किया था कि चुनाव इस लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम सारे किस्से और कहानियां हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जो 98 वर्षीय सहीराम धारणिया हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। सहीराम जी, कहाँ जन्म हुआ आपका? 98 वर्ष की उम्र हो चुके हैं। हमारे नया गाँव बसाया था कुंभना, उसको ताल था ज्यादा से तरकवसा से इसे कुंभा, तो हमारा 5 दादा से बड़ा दादा कुंभा था, इसलिए हमने कुंभाना नाम रखा था। लेकिन लोग ताल ज्यादा से इसे तालिया कहने लगे, हम भी लोग जो समझते नहीं कुंभाना नहीं समझेगे, तो हमने कहा कांकरे नाम का तालिया करे, वो समझ जाते थे। एक ही परिवार है हमारा, गाँव सारों का एक ही था परिवार। पाकिस्तान में 6-7 गाँव में जमीन थी, लेकिन जो अलग हमने बसाया था तो एक बड़ा गांव तो ढाबसरते का था, उसमें सब लोग आए थे। हमने अलग से जो बसाया उसको लोग तालिया नाम कैसे मशहूर था। तो राजनीति में क्यों आए आप? राजनीति में तो जो चौधरी देवलाल की मेहरबानी थी, चौधरी देवलाल ने घर के आके कहा कि आप उनको सही राम को कहो वहाँ टिकट की दरख्वास्त दे दे कांग्रेस की। मैंने कहा ना कांग्रेस में रहा हूँ मैं, तो पढ़ता आया था, अभी तक काम शुरू नहीं की बात है ये तो 1957 की बात है जी। हाँ जी, तो ना 51 में मैं चुनाव लड़ा था, उसमें तो मैं हार गया था। तो उस वक्त मेरे दो बहने जिसको ब्याह थे उनका ससुर मेरे सामने आ गया, तू मैं आपस होने लगी। हमने कहा कौन हारेगा जीतेगा, दोनों बहने जी उनका ससुर है। मैं विड्रा कर गया, विड्रा कर गया तो गाँव गए वहाँ अबोर वापस पहुँचा, तो उन्होंने माना नहीं कि हम आपको इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे, कोई बात नहीं। तो पहले चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, तो कांग्रेस का जोर था, चांदीराम जीत गया, मैं हार गया। फिर दोबारा वो लोग जनसंघ का जोर पड़े, उन्होंने कहा क्योंकि मैं विश्वियों का काफ़ी काम कर किया था, काफ़ी वोटें मिली, इसलिए उन्होंने सोचा कि सही राम जी उसको बुलाओ। तो यहाँ आके उन्होंने कहा सही राम जी हमें 100 और दो। यहाँ से लेकर जनसंघ की टिकट के ऊपर मैं अबोर चुनाव लड़ा 1957 में जी। तो जनसंघ टिकट में मैं जीत गया जी। उस वक्त अबोर में कांग्रेस का जोर था, अपने बीजेपी का जोर था जी। तो जीत गया, उस वक्त जनसंघ था जी। तो राजनीति में कितना का अंतर मानते हैं आप, उस टाइम की जो राजनीति थी और अब एक आज की राजनीति है, कितना फर्क मानते हैं जी? अभी क्यों अभी अभी राजनीति में नरेंद्र आया है, उसके बाद राजनीति काफी बदल गई है। उससे पहले तो राजनीति कोई चीज नहीं थी, सारे घटिया लोग जो थे पैसा कमाने के वाले थे वही लोग थे, अपने रिश्तेदारों को बरदार और बना दिया, ऐसे गड़बड़ जुड़ा थी, मुझे नफरत थी। मैंने भी इसलिए ये पॉलिटिक्स से छोड़ दी, मैं मेरे समाज का काम करने लग गया। समाज के अंदर मैं ऑल इंडिया विश्व भाजपा का प्रधान भी मैं रहा हूँ, तो बस वहाँ काम करते रहे। अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब और तो कोई काम है नहीं, सुनता है नहीं,
दिखता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत अखबार लेता हूँ। तो आपने विधायक रहते हिंदी आंदोलन में भी आप जेल गए? हाँ जी जी, उस वक्त हिंदी आंदोलन में शाम को 6 बजे जब हिंदू आंदोलन के जयकार नारे लगाए, गिरफ्तार हो गए। हमको वहाँ एक दिन रात तो फाजिल का रखा, अगले दिन उन्होंने फिरोजपुर जेल भेज दिया। आगे डॉक्टर बलदेव प्रकाश वगैरह वहाँ पहले आए हुए थे, उन्होंने पूरा सत्कार किया और ठीक किया और उनके साथ रहा। तो सरकार ने कहा था हिंदी आंदोलन से जुड़े जो लोग जो जेल में रहे उनको पेंशन भी दी जाएगी, तो आपको पेंशन मिल रही है सर? हाँ जी, 10 साल मिलती है पेंशन जी, उस आंदोलन में 10 साल की पेंशन मिलती है। और जो फ्रीडम फाइटर का दर्जा आपको मिला है कि फ्रीडम फाइटर का दर्जा नहीं मिला आपको? वो दर्जा तो मेरे नहीं मिला, एक छोटा सा एक उन्होंने वो एक चीज है वो पता नहीं जन सका और बोला कुछ बन गया बोला जी, तो अवार्ड वगैरह अवार्ड है। हाँ अवार्ड साथ को उन्होंने बोले वो उसके अपने फाइटर तो नहीं वगैरह बनाया उन्हें, लेकिन आंदोलन में शामिल हुआ था उसके लिए वो 10,000 पेंशन भी देती है उसका जी। तो श्रीराम जी अगर बात करें चौधरी देवीलाल की, तो चौधरी देवीलाल कैसे शख्सियत थे उनके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए हम पुराने रहने वाले थे चुटाला के जी, हमारा गांव चुटाला था। चौधरी देवीलाल की वजह से हम लोगों को सरसा के अंदर यहाँ सक्सा खेड़ा बना गया, उन्होंने कहा सक्सा खेड़ा अपने भावलपुर से जो आए हुए उनको मैं सरसा अलाट हुआ है जी। तो यहाँ सरसा अलाट हुआ था, तो चौधरी देवीलाल तो बहुत भले आदमी थे और किसानों के हिस्से से और खूब काम करते थे, कोई लालच वगैरह कुछ नहीं था। एक चुनाव लड़ते तो एक वोट और एक रुपया मांगते थे, करप्ट नहीं थे। हाँ वो किसानों के हिस्से से पैसा खाते नहीं थे, ईमानदार आदमी थे और इलाके के अंदर उनकी बहुत पहुँच थी और उनके साथी थे रामदयाल वैद्य वगैरह, ये थे उनके साथी थे वो सब यहाँ पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन वो काम डबल हल्के भी करते थे। तो चौधरी देवीलाल श्री के आदमी काम ही रहे अब तो, अब तो उन्होंने चौधरी देवीलाल ने लोग तो जाके पाँव छूते थे थे, लेकिन मैं मिलता तो हाथ मिलाते थे मुझसे और हर एक काम के लिए बुलाते थे, श्रीराम जी को बुलाओ श्रीराम जी को बुलाओ। ये नीचे से यहाँ डेर निकली थी तो उसमें प्रताप सिंह का और उनका आपस में तू में हो गए थे, उन्होंने कहा मेरे इलाके में पानी को बेचे हो गए और तू क्या कर, उसके जब हम भी लट लेके आ जाएगा जी। ये दिया है मातृभाषा सत्याग्रही, ये दिया है पहचान पत्र जी। इसमें हिंदी आंदोलन 1957 के दौरान मातृभाषा की रक्षा करने हेतु प्रताड़ित किए गए एवं जेल यातनाएं सहने वाले नागरिकों के निर्भीक संघर्ष के लिए प्रदत्त ये अवार्ड आपको मातृभाषा सत्याग्रही जो है उसका हिंदी आंदोलन का पहचान पत्र है जी। थैंक यू। तो हम बात करें कि आपके जो अब आपका जो जीवन है वो कैसे व्यतीत हो रहा है, सेहत आपकी कैसी है? 98 साल उम्र हो गई आपकी, अब जीवन का क्या बात है? तो जो थोड़ा बहुत से खेत में काम कर लेता हूँ, भूख नहीं लगती है कई साल हो गए, लेकिन घर वाले कहते हैं खाओ खाओ, तो थोड़ा बहुत आधी रोटी पौन रोटी इसी खाता हूँ, दूध जरूर मैं सुबह दोपहर शाम पी लेता हूँ और भूख नहीं लगती है, रोटी नहीं खाता हूँ, तो और तो कोई है, काम है नहीं, बस समाज का काम किया। समाज में विष्णुओं का ऑल इंडिया विष्णु महासभा का प्रधान मैं रहा, सारा मैंने किया वहाँ मुकाम के अंदर, वो पंचायत बनाई वो मैंने बनाई, सब काम मैंने किया, सब करके मैंने तो सब छोड़ दिया लोगों को, आप जानो। आप फूलों की खेती करके अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? फूलों की खेती तो भाई अपने को अर्जीब है, उसने और मेरा पोता है वो खड़ा है, इन्होंने सलाह करके बनाई कि मैंने कहा फूलों की कौन सी खेती है, लेकिन इस वक्त देखते हूँ फूल इतने लगते हैं कि सुबह तोड़ने वाले आदमी 4-5 आदमी लगे तब जाकर फूल टूटते हैं। तो अब लोकसभा चुनाव होने हैं 12 मई को, हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है कि पिक्चर कैसी होगी चुनाव में? ऐसा है कि नरेंद्र ने काम करने वाला आदमी है वो जी। उसने काम किया है जो कुछ किया है और
निडर आदमी है, वो पूरा जो है जो काम करता है एकदम कर लेता है, परवाह नहीं करता है कुछ की है। वो एकदम जो करंसी बंद की थी एकदम बंद कर दिया और सब कुछ किया, तो आदमी काम करने वाला है जी। अब देखो आगे इसको क्या होता है। ये थे मेरे साथ सहीराम धारणिया और एक सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने गांव में रहते हैं, सक्ताखेड़ा इनका गांव है और 98 साल की उम्र में भी खेतीबाड़ी करते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं कि गुलाब की खेती है इन्होंने की हुई है और ज्वाइंट पंजाब में, संयुक्त पंजाब में ये अभोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं जनसंघ के, और 1957 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। अपने जीवन को ये संतुष्ट मानते हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए क्योंकि लगातार हम आपको तमाम सारी जानकारियां, किस्से और कहानियां भी आपको सुनाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।